मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कहा जाता है कि प्यार का बुखार चढ़ता है तो ये सिर चढ़कर बोलता है, सही और गलत का फैसला तक नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक सिरफिरे आशिक ने, जो एक तरफा प्यार में पागल था और उसने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का है, जहां एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में युवती को गोली मारी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। ये घटना गोटे गांव में देर रात में हुआ है। जानकारी के मुताबिक काजल साहू नाम की युवती जबलपुर से अमरावती एक्सप्रेस से श्रीधाम स्टेशन उतरी और अपने घर जाने लगी। तभी सिंधिया कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास देवेंद्र पटेल नाम के सिरफिरे युवक ने काजल को गोली मार दी। खून से लथपथ काजल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटेरिया ने बताया है कि युवती की हत्या के मामले में देवेंद्र नाम के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़का लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। युवक के पास से देशी कट्टा भी बरामद किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। हो जाएगा कहीं तेरे ना रही, हम मर जाएंगे तुम्हारा नाम लेके। ऐसे बोलता था हमारी लड़की से आके बताती थी। दो तीन बार कार्रवाई है। अब आप उसको समझ लें, आप अपनी मकान सुन लीजिए बात को। ना मम्मी जी को लाया जाएगा, ना उसके पिताजी को लाया जाएगा। आरोपी अरेस्ट हो गया है, आरोपी थाने में है। पहले भी मैंने बताया कि आप में से दो लोग जानना चाहते हैं तो जाके देख लें। इतने लोगों के सामने ना आरोपी को लाया जाएगा, ना आपको थाने लेके जाएगा। स्पष्ट है, मारा है तो FIR हो रही है, उसके खिलाफ 202 का मामला कायम हो गया हत्या का। नहीं होगा कि आरोपी को लाओ, फिर आरोपी हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। पाल पोस के हर माँ बाप बड़ा करते हैं।